Hello, good morning students, class 10th. We were studying the chapter triangles, and under the topic triangles, yesterday we discussed about the converse of Thales theorem. Today we are going to start the new topic, that is criteria for similarity of triangles. Criteria for similarity of triangles mein, aap sabse pehle ye samajhiye ki what are similar triangles. Similar figures ko pehle define karte hain. Similar figures kya hote hain? Similar figures are the figures which have the same shape, not necessarily the size. जिनका शेप एक जैसा होता है उनको हम सिमिलर फिगर्स कहते हैं, राइट? और सिमिलर फिगर्स में साइज अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उनका शेप एक जैसा होना चाहिए, ठीक? वैसे ही जो है ट्रायंगल्स में भी होता है कि अगर दो ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स का जो शेप है वो सेम है तो उनको हम सिमिलर ट्रायंगल्स बोलते हैं. बट इफ दे आर हैविंग डिफरेंट साइजेस, दे मे हैव डिफरेंट साइजेस बट द शेप शुड बी सेम, राइट? हियर we have taken two triangles, triangle ABC and triangle PQR. ये दो triangle मैंने लिए हैं. ये दोनों triangles में let us suppose angle A जो है angle P के equal है. मतलब मैं आपको criteria बता रहा हूँ कि दो triangles कैसे similar होते हैं. दो triangles तब similar होते हैं जब उनके corresponding angles equal होते हैं और उन corresponding angles के corresponding जो sides होते हैं वो भी क्या होते हैं, equal proportion में होते हैं, equal ratio में होते हैं. Equal नहीं होते हैं बट द साइड्स आर इन इक्वल प्रपोर्शन और रेशियो, दे आर इन इक्वल रेशियो, राइट? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, दूसरा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर. एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर. ये तीनों एंगल्स जब इक्वल होते हैं, ठीक, और केवल तीनों एंगल इक्वल नहीं, अब इसके साथ क्या है कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, करस्पॉन्डिंग साइड्स एंगल ए के ऑपोजिट जो साइड होगी वो करस्पॉन्डिंग साइड होगी. मींस बीसी इज द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ एंगल पी, क्योंकि ए और पी इक्वल है तो इनके ऑपोजिट जो साइड है वो बीसी है और इसके ऑपोजिट जो साइड है वो क्यू आर अपॉन क्यू आर, इन दोनों का रेशियो, राइट? ये है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो. इज इक्वल टू जो एंगल बी है उसके ऑपोजिट कौन सी साइड है, ए सी अपॉन एंगल क्यू के ऑपोजिट कौन सी साइड है, पी आर. इज इक्वल टू एंगल सी के ऑपोजिट कौन सी साइड है, ए बी अपॉन एंगल आर के ऑपोजिट कौन सी साइड है, पी क्यू. जब ये रिलेशन होता है मीन्स तीनों एंगल इक्वल हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जो तीनों साइड है वो दे आर इन इक्वल रेशियो, मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड आर इन इक्वल रेशियो, then these two triangles are said to be similar and the similarity ka sign jo hota hai wo is prakar ka hota hai. This is the sign of symbol of similarity. Then we say triangle ABC is similar to triangle PQR. Yaad rakhiyega ki jo corresponding side hai usi form mein aapko likhna hai kyunki A angle A jo hai angle P ke equal hai to A pehle P pehle, theek? B इसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है तो बी क्यू, फिर सी जो है आर के इक्वल है तो सी और आर, यानी कि ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर. इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ए बी सी इज सिमिलर टू क्यू पी आर, उल्टा हो जाएगा, राइट? उसमें जो है करस्पॉन्डिंग साइड चेंज हो जाएगी, ठीक? तो ये था इसके बारे में. अब आगे डिस्कस करते हैं एक थियरम. सो द थियरम 6.3 ऑफ योर बुक इज If in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio, and hence the two triangles are similar. मतलब आपको ये प्रूफ करना है, आपको दे रखा है कि corresponding angles equal हैं और आपको ये प्रूफ करना है कि उसके जो sides हैं, corresponding sides हैं, वो equal ratio में है, right? तो जब sides भी equal हो जाएंगे और angles तो equal दे ही रखे हैं, जब sides जो है equal ratio में हो जाएंगे तो इसका मतलब वो दोनों triangle क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे. ये आपको प्रूफ करना है, ठीक? उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल ले लेते हैं एबीसी, ट्रायंगल ए बी सी आपने लिया है, और दूसरा एक ट्रायंगल ले लीजिए जो साइज में थोड़ा बड़ा है बट इट इज सिमिलर, डीईएफ, डी ई एफ. ये दो ट्रायंगल आपने ले लिए, ठीक? एबीसी एंड डीईएफ, दीज टू ट्रायंगल्स, राइट? In these two triangles, what is given? Angle A is equal to angle D,
angle B is equal to angle E and angle C is equal to angle F. ये equal है, ये B is equal to angle E and angle D. क्योंकि आप देखिए सिंगल एंगल लगाया मैंने तो वो दोनों इक्वल है, जो डबल एंगल लगाया है वो दोनों इक्वल है, जिस पर ट्रिपल एंगल लगाया है वो तीन दोनों इक्वल है, राइट? एंगल्स आपको इक्वल गिवन है, ठीक? हम क्या करते हैं इसको प्रूफ करने के लिए, आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों का जो साइड का रेशियो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में है. तो हम क्या करते हैं कि बीसी के इक्वल इस डी पॉइंट से, और मतलब ए बी लेंथ का और डी से कोई एक लेंथ का एक पॉइंट ले लेते हैं, और एसी लेंथ का डी एफ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक? इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए और इनको कोई नाम दे दीजिए, डी ई एफ, लेट अस सपोज जी एच आपने नाम दे दिया, ओके? ये नाम देने के बाद अब आप देखिए दो ट्रायंगल यानी कि ए बी सी और डी जी एच, ठीक? ये दोनों आपने कैसे ट्रायंगल हो गए हैं, ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्यों हुए? क्योंकि ये एंगल तो इस एंगल के इक्वल था ही, गिवन था, और ये वाली जो साइड बीसी है उसके इक्वल जो है ये जीएच साइड आपने ले लिए, और ये साइड दोनों क्या है, इक्वल. इस साइड और इस साइड के इक्वल आपने ये साइड और ये साइड लिया था, तो एस ए एस से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. व्हेन दीस टू ट्रायंगल्स मींस ट्रायंगल ए बी सी हैज गॉन बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी जी एच, इट मीन्स बाई सी पी सी टी ये वाला जो एंगल है जी दैट इज इक्वल टू एंगल ई एंड दिस एंगल एच विल बी इक्वल टू एंगल एफ, राइट? ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. सबसे पहले क्या किया आपने, जी एच एक लाइन ऐसी ली है जो बी सी के इक्वल है, बी सी के इक्वल होगा तो ए बी के लेंथ के बराबर आपने डी जी लिया था, ए सी लेंथ के बराबर आपने डी एच लिया था. ये दोनों ट्रायंगल्स जो है एस ए एस से आपने कॉन्फिडेंट प्रूफ किए थे. अब इन दोनों ट्रायंगल्स को जब आपने कॉन्फिडेंट प्रूफ कर दिया, देन बाय सी पी सी टी दिस एंगल्स विल बी इक्वल, राइट? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल जी एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एच, ठीक? अब ये दोनों एंगल जब इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये जो एंगल जी है वो किसके इक्वल हो गया, ई के इक्वल, और एच जो है किसके इक्वल हो गया, एफ के इक्वल. अब जब दोनों ये एंगल इसके इक्वल है, इसका मतलब ये कैसी लाइनें हो गई, ये दोनों लाइन क्या हो गई, पैरेलल. इट मींस जी एच लाइन जी एच इज पैरेलल टू ई एफ. जी एच और ई एफ क्या हो गई है, दो पैरेलल लाइंस हो गई. जब ये दो लाइन पैरेलल हो गई है और जी और एच कोई दो पॉइंट है, तो आपने थेल्स थ्योरम पे जाइए वापस, कि थेल्स ने क्या कहा था कि अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल अगर ड्रॉ कर दिया जाए तो वो बाकी दो साइड्स को क्या करता है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है. इट मींस फ्रॉम हियर डी जी अपॉन जी ई विल बी इक्वल टू डी एच अपॉन एच एफ, राइट? ये हो गए. अब जो डी जी है वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू ए बी. तो आप इसको लिख सकते हैं ए बी अपॉन जी ई. ए बी लिखा आपने किसके लिए, डी जी के लिए, और अपॉन जो जीई था उसको वैसे ही रहने दिया जीई, राइट? इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एच को आपने क्या लिखा है, ए सी अपॉन एच एफ. एच एफ ऐसा लिख सकते हैं. अब देखिए ए बी अपॉन जीई इज इक्वल टू ए सी अपॉन एच एफ हो गया, ठीक? अब आप इसको क्या लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन डीई, ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी